श्री रविंद्रनाथ जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिला के पीके मल जी, रामलीला समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित श्रद्धालुजन, गोरख स्पीच की परंपरा के अनुरूप इस कोरोना काल खंड में भी हमें यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए रामलीला समिति आर्य नगर के सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हजारों वर्ष पहले आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अन्याय, अत्याचार, आतंक और पाप के प्रतीक रावण को नष्ट करके धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग को प्रशस्त करते हुए एक आदर्श शासन पद्धति कैसे संचालित होनी चाहिए, राम राज्य का उदाहरण हम सब के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा हजारों वर्ष पहले तय किए गए उन पावन मर्यादाओं और नियमों के अंदर आज भी सदैव हमें प्रेरणा प्रदान करता है। मैं सबसे पहले आप सबको शारदीय नवरात्रि की और विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। हम अपने पर्व और त्योहार को ऐसे समय में मना रहे हैं जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में है। कोरोना वायरस के कारण आप सबने इस बात को देखा होगा कि दुनिया में, चाहे वह सामाजिक जीवन हो, व्यावहारिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, या जीवन का कोई भी पक्ष हो, बुरी तरह प्रभावित हुआ है। व्यापक पैमाने पर जनहानि भी हुई है, धनहानि भी हुई है। और इसीलिए पर्वों पर भी इसका असर पड़ा है, आयोजनों पर इसका असर पड़ा है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा